दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर नाइन्थ पेपर से दृष्टिबाधित बालकों की पहचान एवं दृष्टिबाधिता के कारण को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं दृष्टिबाधित बालक के पहचान और कारण को। पहचान के अंतर्गत देखेंगे स्नेलन चार्ट विधि द्वारा व्यवहारिक लक्षणों से व्यवहार सूची से प्रश्नावली का उपयोग करके स्नेलन चार्ट विधि द्वारा दृष्टिबाधित बालकों की पहचान की सबसे सरल विधि स्नेलन चार्ट से परीक्षण करना है। शिक्षक द्वारा इस चार्ट का प्रयोग करके पहचाना जा सकता है। व्यवहारिक लक्षणों से दृष्टिबाधितों की पहचान उनके व्यवहारिक लक्षणों से भी किया जाता है। ऐसे बालक पढ़ते समय जो है वर्तनी तथा अक्षरों में जो है भ्रम हो जाता है। पढ़ने लिखने में समस्याएँ होती है। पलकों पर खुजली व सूजन होते रहता है। आँखों का तिरछी होना। जो बालक जन्म से अंधे होते हैं उनकी पहचान माता पिता द्वारा हो जाती है। जो आंशिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान विद्यालय में पढ़ने लिखने से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में हो जाती है। व्यवहार सूची से कुछ बालकों की आंखें सामान्य दिखाई देती है और चेहरा भी सामान्य नजर आता है, लेकिन उनमें दृष्टिबाधिता होती है। ऐसे बालक की पहचान थोड़ा देर से होता है। इसके लिए शिक्षक व्यवहार सूची का उपयोग कर पहचान करता है। इस व्यवहार सूची को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने बनाया है, लेकिन किसी एक व्यवहार के मिलने से उसे दृष्टि बाधित नहीं माना जाएगा। हाँ, एक से अधिक व्यवहार के मिलने पर ऐसे बालकों को डॉक्टरी परीक्षण कराया जाना चाहिए। प्रश्नावली का उपयोग करके दृष्टिबाधित बालकों की पहचान के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बार बार पलकें झपकाना, पुस्तक या अन्य वस्तुओं को अपने आँखों के पास ले जाना, सिर दर्द बतलाना और दर्द होने पर आँखें बंद कर लेना, एक आँख बंद करके सिर को ऊपर उठाना, आँखों का पलक छोटा होना और आँख लाल रहना, अक्सर आँखों को मलते रहना, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील रहना, आँखों का आकार भिन्न प्रकार का होना, आँखों से पानी बहना, पढ़ने के समय अनुदेशन सामग्री नहीं रहता, दूर की वस्तुओं को देखने पर शरीर में जो है तनाव रहता है, श्यामपट की पाठ्य वस्तु लिखते समय वह अन्य बालकों से जोर से पढ़ने को कहता है, श्यामपट पर लिखे हुए को पढ़ नहीं पाता है, आँखों का तिरछा या टेढ़ापन होना। अब हम दृष्टिबाधिता के कारण को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है वंशानुक्रम व आवासीय समस्या, हाइपरपिया होने पर आँख के बालस गति के कारण, आंशिक दृष्टिबाधिता के कारण। वंशानुक्रम व आवासीय समस्या। आवासीय समस्या होने पर दृष्टिबाधित हो जाता है। इसका मुख्य कारण मायोपिया की समस्या है। इसमें निकट दृष्टिबाधिता हो जाती है, दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है और पास की वस्तुएं आराम से दिख जाती है। आवासीय समस्या या समायोजित समस्या का आधार वंशानुक्रम होता है। इसका सुधार दर्पण अथवा चश्मे की सहायता से हो जाता है। हाइपर पिया होने पर इसके कारण निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, परंतु दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। आँख के बालस गति के कारण। आँख के बालस की गति के कारण भी दृष्टिबाधित हो जाता है। द्विप्रतिबिंब के दोष के कारण गहन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। आंशिक दृष्टि बाधिता के कारण। जन्म से पहले माँ द्वारा प्रबल औषधियों का सेवन, असंतुलित आहार के कारण, मानसिक रोग के कारण और आवासीय स्थान ठीक न होने से दृष्टिबाधिता आ जाती है। इसके अलावा बालक का जन्म शल्य द्वारा होने से, बेहोशी के दवाओं के कारण समय से पूर्व जन्म हो जाने, जन्म के बाद चेचक रोग होने, संक्रामक बीमारियों के कारण आँखों में चोट लगने से, गलत दवा डालने से भी
दृष्टिबाधित हो जाता है। तो ये था दृष्टिबाधित बालक का पहचान और कारण। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।